इनसे मोहब्बतों भरा सलाम, और जो मेरे दूसरे भाई है उनको भी मेरा क्रांतिकारी सलाम। मेरा नाम इमरान अली सैयद है, मैं मुमरा से आया हूँ। भाई ने अभी बताया तो उसमें मैं एक बात ये ऐड कर दूं कि हम लोगों ने रशिया में जाके अपने तिरंगे को लहराया है और देश के परचम को वहां लहरा कर ये बताया है कि हम किसी से कम नहीं है। देश की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं, हमारी खून के एक एक रगों में बसती है। तो आज बात हो रही है एनआरसी सीए और एनपीआर की। बहुत दो महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज तकरीबन 70 दिन होने आ गए इस प्रोटेस्ट को। इस प्रोटेस्ट के अंदर दो महीनों से लोग लगे हुए, सबसे पहले हम सोए हुए थे। हम जो इस मुल्क के नौजवान कहलाते हैं, हम जो इस मुल्क के मर्द कहलाते हैं, वो सोए हुए थे। हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, जामिया से दो लड़कियों ने, आयशा और लदीदा, तुमने हमारी गैरत को जगा दिया। हम खामोश हो गए थे। मैं हकीकत बयानी करूंगा, मैं कोई मुकर्री नहीं हूं, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, मैं कोई तकरीर करने वाला नहीं हूं जो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करके बहुत जबरदस्त तकरीर करने वाला ऐसा कोई शख्स नहीं हूं। मैं अपने दिल का दर्द बयान करने आया हूं। भिवंडी के लोगों सुनो, क्या हुआ जामिया के अंदर? लोगों ने अपनी आंखों से देखा जब उस नौजवान के ऊपर पुलिस के लोग डंडे बरसा रहे थे, तो दो बहनें निकल के आई। वो कोई मर्द नहीं थे, वो दो बहनें थी हमारी, आयशा और लदीदा, जिन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि अब उठना पड़ेगा। अब खामोश रहोगे तो दबा दिए जाओगे, अब बोलो, अब बोलने की जरूरत है, क्योंकि बोलता वही है जिसमें जान होती है। खामोशी तो मुर्दों की पहचान होती है। यह फलसफा हम भूल चुके थे। हकीकत मानो, हमारी गैरत मर चुकी थी। मैं अपने आप की बात करता हूँ, मैं अपने आप को फाइटर कहता हूँ, मैं अपने आप को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कहता हूँ। इस दरमियान अगर मैं चुप रहा तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरी जूते की नोक पर, जब मेरे कौम के ऊपर, जब मेरे समाज के ऊपर ये बात आती है कि आओ अपनी नागरिकता साबित करो, कोई किसको इसने किसी ने यह हक दिया है कि वो आए हमसे हमारी नागरिकता पूछे? आजादी का वक्त था, सबसे पहले, बहुत पहले, जब टीपू सुल्तान सबसे पहले खड़े हुए थे, जब कोई साथ नहीं दे रहा था, टीपू सुल्तान कह रहे थे पहले देश बचा लो, बाद में हम लड़ लेंगे एक दूसरे से। लेकिन जब उनकी बातों को किसी ने नहीं समझा, आज उस वक्त अगर समझ जाते तो आज तक ये नौबत नहीं आती, अंग्रेज देश में नहीं आते। क्या है ना, क्रोनोलॉजी समझाई जा रही है। हमारे जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो क्या कर रहे हैं, आज उन्होंने एक इंग्लिश का एक वर्ड सीख लिया है, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर बने तो कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में उनको कहना पड़ेगा ना। तो कहते क्रोनोलॉजी समझो, तो क्रोनोलॉजी थोड़ी हमसे भी समझे। अब मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो वो बिजनेस करने, तिजारत करने के लिए आए थे। तो उन्होंने क्या लेकर आए थे अंग्रेजों ने, किसी को पता है? किसी को पता है? चाय लेकर आए थे, चाय का बिजनेस। तो जो उन्होंने भी चाय लाई थी और देश को बर्बाद किया था, ये भी चाय वाले आए हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। चाय वाले देश को बर्बाद करे जा रहे हैं। आज किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगली बार हुकूमत देना ना तो पान वाले को देना, क्योंकि पान वाला जब चूना लगाएगा ना तो पूछेगा भाई कितना लगाओ, तो पूछ के चूना लगाएगा। आज के माहौल के हिसाब से हमारे देश के अंदर रोजगार नहीं है, देश की जीडीपी किधर पहुंच चुकी है, देश के हालात क्या हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को गले मिलने से फुर्सत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दिल्ली जल रहा है पूरा, और हजरत को गले मिलने से फुर्सत नहीं है। क्या आप देश के प्रधानमंत्री हो? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनी कि आपकी निगरानी में रहने वाला दिल्ली देश का कैपिटल है, देश की राजधानी है, राजधानी जल रही है, आप गले मिलके क्या माशूकिया कर रहे हो ट्रंप के साथ? समझ नहीं आया आपको कि देश जल रहा है? आगे बढ़ना चाहिए था, आपने सबसे पहले आगे खड़े होना चाहिए था। मेरे देश सबसे पहले है, मोहब्बत बहुत बांटी जाती है। क्या हो रहा है, स्टेज से खड़े रह के नारे लग रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारे लग रहे हैं कि हमारे देश में इस बात के लिए इजाजत दी जाएगी किसी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो कोई
ऐसे अल्फाज यूज नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, जब वो किसी ने एक ये नारा दिया तो दूसरे दिन क्या हुआ, जामिया में गोली चली, शाहीन बाग में गोली चली। और वो कहता है शाहीन बाग में गोली चलाने के बाद कि इस देश में हिंदुओं की चलेगी। तो मैं उसे कहना चाहता हूँ, न हिंदू की चलेगी न मुसलमान की चलेगी, इस देश में चलेगी तो भारत के संविधान की चलेगी, भारत के संविधान की चलेगी, बाबा साहब के संविधान की चलेगी, जिसने इस देश के अंदर हर हिंदू को, हर मुस्लिम को, हर सिख को, हर ईसाई को, हर SC ST को, हर OBC के लोगों को, आदिवासियों को, सबको एक अधिकार दिया है। ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, सब बराबर है। देश है हमारा सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है हर धर्म के मानने वालों की इज्जत होगी यहाँ पे, हर धर्म के लोग शांति से, अमन से इस देश में रह सकते हैं, अपनी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, कोई हिंदू मंदिर में जाए के पूजा करे सलाम, कोई क्रिश्चियन चर्च में अपनी प्रार्थनाएं करे सलाम, कोई सिख गुरुद्वारे में जाके अपनी प्रार्थना करे सलाम, कोई मुसलमान मस्जिदों में जाके अपनी इबादत करे सलाम, कोई SC ST, कोई OBC, कोई लिंगायत, कोई आदिवासी जिस तरीके से चाहता है अपनी प्रार्थना करे सलाम है। उससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूं, कोई इस देश के अंदर किसी धर्म को नहीं मानता उसको भी सलाम है। सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सेकुलरिज्म का ठेका एक दल ने लेके रखा है, वो कहता है कि हमारी चलेगी, हम कहते हैं संविधान की चलेगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें गोली से, नहीं मानोगे तो गोली से मारेंगे। तो वो चीजें हमें पता है, क्योंकि गोली से तो गांधी जी को भी मारा गया था। गोडसे की सोच है ये, गोडसेवादियों ने इरादा कर रखा है कि इस देश के अंदर मनुवाद का संविधान लागू होगा, इस देश में मनुस्मृति लागू की जाएगी, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हम नहीं चाहते ये देश हिंदू राष्ट्र बने, मुस्लिम राष्ट्र बने, ईसाई राष्ट्र बने, सिख राष्ट्र बने या कोई और राष्ट्र बने, सिर्फ भारत है, सिर्फ भारत रहेगा, कोई राष्ट्र हमें मंजूर नहीं है। संविधान की बात की जाएगी, एक दूसरे के अधिकारों की बात की जाएगी। हम जब खड़े रह के ये बात करते हैं तो उनके कानों में तकलीफ होती है, क्यों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, आप 10 साल नहीं, आप 50 साल हुकूमत चलाए, हमें कोई हुकूमत करने का शौक नहीं, आप देश चलाओ, देश की आबादी किस तरीके से अच्छे तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़े, देश में किस तरीके से भारत के संविधान की एक एक बातों पे अमल किया जाए, देश में एजुकेशन किस तरीके से बढ़े, देश के अंदर रोजगार के मसले को कैसे हल किया जाए, हमारा देश किस तरीके से और सुपर पावर की लाइन में जाके खड़ा हो जाए, और आगे किस तरीके से बढ़े, देश में कैसे हरियाली बने, देश में कैसे अच्छे हॉस्पिटल बने, देश में कैसे बच्चों को अच्छी अच्छी सुविधा दी जाए, देश में कैसे महिलाओं को अच्छी सुविधाएं दी जाए, इस पर काम करो। NRC, CAA, NPR, एक बात समझ लो, अभी इन लोगों ने कहा है कि अब तक NRC नहीं आया है, अब तक NRC नहीं आया है, लेकिन एक बात समझ लो कि NPR आ चुका है, और NPR जो है वो, हेलो, ये लेजर लाइट जो बच्चे के हाथ में है या जिस किसी के हाथ में है, थोड़ा उसको ध्यान दें, या वॉलंटियर उसको जो है थोड़ा देखें, लेजर लाइट जो है आप अपने पास रख लीजिए, सामने से आ रही, सामने कौन मार रहा है लेजर लाइट, ठीक है आपके बाजू में समझ में आता है ना कौन मार रहा है लेजर लाइट, ठीक है अभी शांत बैठो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, शांत, हाँ तो मैं कह रहा था कि आप बात हो रही है NPR की, NPR 1 अप्रैल से लागू होगा, आपके घर पे
अधिकारी टीचर्स लोग जो होते हैं वो लोग आपके घर पे आएंगे, आपका डेटा कलेक्ट करेंगे, आपसे मालूमात लेंगे। हमारे प्रधान, हम लोग कह रहे थे इतने टाइम से कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्या कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब एक नारा और जोड़ो, हम कागज नहीं दिखाएंगे और जो तुम पूछोगे वो भी नहीं बताएंगे। एनपीआर में ये लोग जो हमसे सवाल करेंगे उसके जवाब भी हमको नहीं देना है। कोई टीचर, कोई अधिकारी हमारे घर पे आता है और कहता है हमसे कि भाई बताओ, अपने डेटा बताओ, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, ये सारे नए नए रूल्स उसके अंदर एनपीआर में ऐड हुए हैं, जो 2003 का पहला पुराना कानून था एनपीआर का, सेंसस जिसे कहा जाता है, उसके अंदर ये बात नहीं थी कि आपके माँ बाप का जन्म स्थल बताओ, आपके माँ बाप का नाम बताओ, वो सिंगल सिंगल पर्सन के ऊपर होता था। लेकिन आज ये बात जब उन लोगों ने कही है तो ये एनआरसी के फॉर्मेट में है। शक्तिमान सबने देखा है यहाँ पे, शक्तिमान तो एक बात जानते हो ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, तो एनपीआर ही एनआरसी है और एनआरसी ही एनपीआर है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, हम कोई शेडो रोड से नहीं जुड़ने होने वाले। आप लोग कितने भी नए नए रास्ते निकालो, हम ये कह चुके हम सिविल ओबीडियंसी करेंगे, इनकी बात मानेंगे नहीं। हम लोगों को क्या करना है जब ये हमारे घर पे आएंगे, भाई सेंसस के लिए आए हैं, आपकी डेटा देंगे, आपका नाम बताइए, आप उन्हें क्या करेंगे, लीजिए चाय पीजिए, लीजिए ठंडा पीजिए, गर्मी का टाइम है, बैठिए आराम से बैठिए, ये लीजिए, कुछ और चाहिए तो वो भी दे दीजिए, लेकिन बोलना भाई आप हमारे दोस्त हो, आप टीचर हो, आपका काम है, हम जानते हैं आप काम करने आए हो, आपके पीछे ऑर्डर्स है हमें पता है, लेकिन हमने ये बात कह दी है कि हम कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई सवालों के जवाब नहीं देना है हम लोगों को। साफ और सीधी बात यह है कि सीधा सीधा बायकॉट करना है हम लोगों को, बिना कोई हाथापाई किए, एकदम अमन और शांति के साथ। हम अमन पसंद लोग हैं, हम हिंसावादी नहीं हो सकते। हमारे दरमियान कुछ लोग आएंगे जो हमें भड़काने की कोशिश करेंगे, जो हमें हमारे ही प्रोटेस्ट के अंदर कुछ औरतें भी घुसेंगी बुर्का पहन के, कुछ दूसरे लोग भी करेंगे जो हमारे ही जैसे लिबास में होंगे, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, हम अमन पसंद लोग हैं, हम देश के किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देश हमारा है, देश का चप्पा चप्पा रेजा रेजा आसमान, इस देश की हवाएं, इस देश के बादल, इस देश की सारी जमीन, इस देश का पानी, इस देश में बहने वाली सारी नदियां, इस देश में एक एक उगने वाले पेड़ पौधे, यहाँ के चरिंद, यहाँ के परिंद, यहाँ की जमीन, यहाँ की चींटियां, हर चीज हमारी है और हम भारत के हैं, इसको नुकसान हम होने नहीं देंगे। एक बात समझ लेना, चाहे जो हो जाए अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के अंदर मेंटेन रखेंगे हम लोग। हम हमारी पुलिस का पूरा साथ देंगे, हमारी पुलिस हम जानते हैं यूपी पुलिस की जैसी नहीं है, हमारी पुलिस हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जैसी नहीं है। उन लोगों को चाहिए कि आगे महाराष्ट्र में ट्रेनिंग ले और हमारी पुलिस से सीखे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है। हमें एक काम करना है, मैं आप लोगों के जिम्मे एक काम देना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे उसमें? एक काम यह है कि हमारे हर इलाके में एक मोहल्ला कमेटी बनाई जाए, एक मोहल्ला कमेटी बने। यहाँ के जिम्मेदार आप लोगों मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप लोग, मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन एक मोहल्ला कमेटी बने, ये बड़ों का कॉल है, ये हमारी आवाज नहीं, एक मोहल्ला कमेटी बने जिसके अंदर हर तरीके के, हर तबके के, हर समाज के, हर धर्म के लोग हो, वो सब मिले, और जब ये एनपीआर का शुरू हो 1 तारीख से, तो वो जब हमारे इधर आए तो ये मोहल्ला कमेटी उनसे मुलाकात करे और उनसे कहे कि भाई ज्यादा सबके घर पे जाने की जरूरत नहीं है, हम हमारी आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी मोहल्ला कमेटी, हम आपको कह रहे हैं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप यहीं से वापस जाइए। अगर फिर भी वो आना चाहते हैं ठीक है, चलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। अपने अपने इलाकों में ये मोहल्ला कमेटी बने और ये मोहल्ला कमेटी इस पे वर्क करना शुरू करे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश को इतने सालों से हम जब देख रहे थे कि हमारा देश बहुत आगे तरक्की पजीर होता जा रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि देश में हर चीजों में हमें खतरा है। काहे का खतरा है यार, हर चीजें तो अवेलेबल है हमारे देश में, हमारा देश किसी दूसरे देश की तरह नहीं है। हमारा देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़े सीने की जरूरत है, एक बहुत बड़े जिगर की जरूरत है। उस सीने के अंदर हर धर्मों का सम्मान, हर धर्मों की इज्जत, हर धर्मों का आबरू हो। उस
मैं अपनी बात को 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो टाइम खत्म हो चुका है और मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन टाइम की पाबंदी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए। अब आगे करने वाली बात जो हमने एनपीआर के लिए कही है, उसके लिए एकदम मुट्ठी उठा के हमें हमारे साथ देना है सबको। दूसरी बात, हमें इस 2 मिनट के अंदर इस सरकार तक हम एक मैसेज पहुंचाएंगे, तो उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। क्या आपका साथ है मेरे साथ? आपके साथ, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होंगे तो उसकी फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, अपने अपने एंड्रॉइड फोन की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए, मुझे 2 मिनट मिलेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर तरीके होते हैं सरकार तक अपने मैसेज को पहुंचाने के, ये भी एक तरीका है उसका। आप लोग मेरे पीछे पीछे पड़े, सबने ऑन कर लिए अपने अपने, जिनके बचे वो भी ऑन कर ले। कहिए मेरे साथ, हम भारत के लोग, हम भारत के अमन पसंद लोग, भारत की सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से ये एक वचन लेना चाहते हैं लिखित में, कि आप देश में और महाराष्ट्र में सबसे पहले एनपीआर पर रोक लगाएंगे, क्योंकि आप हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि आप जन की बात को पहुंचाने वाले हो। हम लोगों ने आपको चुना है, आपको हमारी बात सुनना पड़ेगी। इस देश में सारे काले कानून, CAA, NRC, NPR आप लोग लागू नहीं करेंगे। अगर आपने ये लागू किया तो हम कसम खाते हैं अपनी आखिरी सांस तक इसका विरोध करेंगे और आपकी बात को कबूल नहीं करेंगे। आपको हमारी बात माननी होगी, माननीय प्रधानमंत्री साहब, और बहुत इज्जत और एहतराम के साथ माननीय उद्धव ठाकरे साहब, सिर्फ बातों से नहीं चलेगा, अब लिखित में देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भारत जय, जय भारत, जय।